जो ड्रामे में जो है ना वो ढिशुम ढिशुम पहले आ जाती है, साउंड पहले आ जाता है, मारते बाद में, और ड्रामे में तीन मरता है ढिश ढिश ढिश। हाँ ये चलता है, चलता है ना। हाँ अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? और हम भी ठीक हैं जनाब, और आपके सामने हैं। और आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं इंडियन टीवी सीरियल की इलॉजिकल बातें। हाँ। तो बहुत सारे इंडियन सीरीज हैं जो हमने भी बहुत देखे हैं। पहले वाले साथ निभाना साथिया, और पहले कौन से थे वो सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो तब तक चला, वो तब तक चला, पता नहीं वो कब तक चलेगा, वो भी चला जाता है, वो फिर वापस आ जाता है, वो फिर मर जाता है, फिर वापस आ जाता है। ये इंडियन ड्रामा में बहुत ज्यादा होता है ना। और भी थे ड्रामे, और कौन से थे, और कौन सा था उसका, पार्वती का, कमोली का, कौन सा कमोली का भी था। ऐसा बहुत सारे ड्रामे देखे, लेकिन नाम याद नहीं रहते हमें खैर। लेकिन अब हम इतने इंडियन ड्रामे नहीं देखते, क्योंकि हमारे जो है ना पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और इतने अच्छे आते हैं कि जो बिल्कुल लाइफ प्रैक्टिकल होते हैं, जो आजकल चला है, क्योंकि वो ख्वाबों वाली चीज़ें नहीं होती, जो इंडिविजुअली सी होती हैं, जो कि कुछ होता ही नहीं है घर में, बिल्कुल टिप टॉप हो गया, आप काम कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है नॉर्मल ज़िंदगी में, तो मैं नहीं समझती कि होता है। लेकिन हमारे ड्रामे जो हैं वो बिल्कुल, जो बिल्कुल माहौल से क्या कहना चाहिए, मुताबिकत रखते हैं, और जो हमारे ज़िंदगी में आम हो रहा होता है उसी से मुताबिकत के मुताबिक ड्रामे हमारे चल रहे होते हैं। एक ड्रामेबाज हमारे भी घर में दिखाते हैं आपको एक ड्रामेबाज हमारे घर में ये भी है, देख ऐसे तंग किया हुआ है, और ये बार बार स्टैंड को हिला रही है और बहुत ज्यादा इसने नाक में दम किया हुआ है, और ये है हमारी मेरी। मेरी, ए मेरी, हाय करो सबको, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय मेरी। ये जो है ना बड़ी शरारती सी है, ये देखें, ये बहुत शरारती, इतना तंग करती है ना ये हद से ज्यादा। ये हमने अडॉप्ट किया था इसे, हम लोग आज देखते हैं वो वीडियो, ठीक है। सो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई, और यार इतनी बड़ी चूरन मैंने कहीं और नहीं देखी। ये मैंने भी देखा था। और मेरी मम्मी बोलती हैं, हाय कितनी सीधी है बेचारी। अरे मम्मी सीधी नहीं, और इतना जुल्म कोई कैसे सह सकता है। गोपी वो इतने सब के बाद भी ये लोग मरती नहीं है बच जाएंगी, या तो कभी पुनर्जन्म ले लेंगी। और मरे को जिंदा करने की ये टेक्निक देख के तो डॉक्टर्स ने अपनी डिग्री पे बेलपुरी बेच दी। लेकिन परिवार के नाम पर नागेन, डायन और नेवला देखकर लॉजिक ने तो फांसी लगा ली। और आज ऐसे ऐसे कई लॉजिक की तशरीफ में घाव कर देने वाले सीन्स में आपको दिखाने वाला हूँ इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इलॉजिकल इंडियन टीवी सीरियल्स। नंबर वन, वाई आर सबसे पहले बात करते हैं 11 साल से कंफ्यूज सीरियल की। नहीं यार एक बात बताओ, तुम अग्नि को साक्षी मान के सात फेरे ले रहे हो, दूल्हे दुल्हन की तरह सजे हुए हो, और सबसे बड़ी बात 2009 में शुरू हुए इस सीरियल में अक्षरा के नायरा लक्ष्य हो गए, नायरा कार्तिक की शादी हो गई, लाखों क्लेश और ड्रामे हो गए, लेकिन आज भी इस सीरियल वालों को पता नहीं चला भाई एक काम करो, विकिपीडिया पे जाके सर्च कर लो, यहाँ भी इनके नाम और रिश्ते वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। और ये नायरा, इसको तो एक्सीडेंट कराने के लिए ही रखा है, जब भी शो वालों को शो में कुछ ट्विस्ट चाहिए होता है सीधा नायरा को ठोका जाता है। जिसके बाद कभी कभी इसकी याददाश्त चली जाती है या वो बिल्कुल बदतमीज हो जाती है, लेकिन फाइनली एक बार इसका फाइनल वाला एक्सीडेंट हो ही गया, जिसके बाद तेरी भी हो गई मैडम की, लेकिन नहीं जी ये मर जाएंगी तो सीरियल कौन खींचेगा। सो इन सीरियल वालों के पास एक और रास्ता है। और इतना नहीं, आपका भी एक हमशक्ल है, और उस हमशक्ल का एक और हमशक्ल है, समझे, हमशक्ल फंडा ले आए सेम लड़की को वापस से नायरा की हमशक्ल बनाकर। और कार्तिक बाबा ने बिना नारा की आत्मा के बारे में सोचे समझे थाम लिया उसका हाथ, चलो इतने ड्रामे के बाद भी सब सॉर्टेड तो हो गया,
लेकिन ना 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 ना, अभी तो नया क्लेश शुरू हुआ है। बस फिर ये कहानी बढ़ गई आगे, और इस सीरियल के बच्चे वो तो इतने आत्मनिर्भर हैं कि पूरे घर को अकेले सरप्राइज दे देते हैं, वो भी इतने महंगे केक के साथ। और सबसे बड़ी बात, आदमी सारे नल्ले हैं इस शो में। कार्तिक जब देखो नायरा के पीछे पीछे लगा रहेगा, और बाकी के मर्द लोग कोने में खड़े होकर सेट की शोभा बढ़ाते हैं। और इन सब को देखकर और जानने के बाद सच्ची बताऊं ये रिश्ता क्या कहलाता है? बवासीर। जी हां, इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता इस रिश्ते का। नंबर टू, केकेबी। अब इनसे मिलो, ये है इंडियन टीवी सीरियल के सबसे चहेते कपल यानी अभिषेक और प्रज्ञा। हर साल बर्थडे की तरह शादी करते हैं, मतलब इनकी मैरिज एनिवर्सरी का कोई पता ठिकाना है ही नहीं। शादी करते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर किसी और से शादी कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद मिल जाते हैं, फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तीसरा बंदा गया भाड़ में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जिन्हें देख के हमारी मम्मियां बोलती हैं, हाय क्या कपल है। नहीं मतलब यार, शादी ना हो गई, सत्यनारायण की पूजा हो गई, जब मर्जी करा लो। लेकिन एक बात है, शादी किसी से भी करे, रोमांस तो अभी और प्रज्ञा का ही दिखेगा। और भाई ये प्रज्ञा दीदी, ये तो पता नहीं कितनी बार किडनैप हो जाती है, और फिर सुपर वुमन बन के अकेले ही सबको कूट देती है और वापस चली आती है। और इस सीरियल में भी स्टोरी घुमाने के लिए हमशक्ल वाला फंडा लाया गया, जिससे कहानी आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 11 साल निकल गए। लेकिन प्रज्ञा दीदी का पति अभी द रॉक स्टार इतना नल्ला सिंगर है कि बंदे का आज तक एक सिंगल गाना नहीं सुना मैंने। इसे तो बस प्रज्ञा प्रज्ञा करने के लिए रखा गया है। और लॉजिक की ऐसी तैसी तो तब हो गई जब इस सीरियल में 20 साल बाद वाला लीप आया। इनकी बेटियां अलग अलग बड़ी हुई, इतना ठीक था, पर दोनों मिल गए, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। प्रज्ञा अभिषेक आमने सामने आए भी, बातें भी हुई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि दोनों की बेटियां रिया और प्राची हैं। क्योंकि पता चल जाएगा कि रिया प्राची बहनें हैं, उनके माँ बाप प्रज्ञा अभी हैं, तो पूरा परिवार मिल जाएगा, तो सीरियल खत्म हो जाएगा। और ये बंदी, इसको तो सीरियल में पूरे टाइम बेइज्जती कराने के पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इस परिवार की सदस्य नहीं बल्कि अभिषेक की बहन आलिया की फ्रेंड है, जो पूरी जिंदगी इसी घर में बैठी रहती है। नहीं मतलब यार, ये घर है या आश्रम, कोई भी डेरा डाल के बैठ जाता है। और इनके छोटे छोटे क्लेशों से ये सीरियल सबको पसंद आ रहा है। मतलब कुल मिला के लोग अपना क्लेश भुलाने के लिए इनका क्लेश देखते हैं, वो भी बिना सर पैर का। नंबर थ्री, SSK। ससुराल सिमर का, दीपिका। और अब जरा इनसे मिलो, जिनका रोना वर्ल्ड वाइड पसंद किया जाता है। बड़ी बहू, बहू रीमा नहीं थी, वो नहीं थी। जी हाँ, ये है सिमर और इनके ससुराल की कहानी। वैसे इन मैडम की एक खास बात और भी है कि ये हर रोल में एकदम परफेक्ट बैठती हैं, मक्खी के रोल में भी। मतलब एक बार तो सीरियल वालों ने सिमर को मक्खी बना डाला था, मतलब कुछ भी। लेकिन भाई इस सीरियल में एक और चीज कॉमन है, और वो है ये। मतलब बंदी को चाहे जितनी तकलीफ दे दो, मरेगी नहीं ये। और मर भी गई तो क्या हुआ, पुनर्जन्म वाला तशरीफ फाड़ू आइडिया कब काम आएगा। सो इसका भी हो गया पुनर्जन्म। लेकिन मैडम को एक एक सीन से मंगल सूत्र का एहसास तक सब याद आ गया, और ये वापस अपने पिछले जन्म वाले घर में रायता फैलाने आ गई। नहीं यार मतलब, अच्छा हुआ जो आइंस्टीन पहले ही मर गए, वरना अगर वो ये सीरियल देखते ना, तो आज जो उनकी फोटो में उनके खड़े खड़े बाल दिखते हैं, उसकी जगह पूरा टकला दिखता, क्योंकि इसे देख के वो अपने बाल खुद ही नोच लेते। लेकिन मैडम का एक और रूप शायद आपने नहीं देखा होगा। कौन है आप ये बोलने वाले की आप मेरे पति को बचा नहीं पाए, उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं दूंगी। उनका ऑपरेशन गजब। मतलब यार ये तो MNBS निकली। लेकिन भाई मेरा दिमाग तो ये सीन देख के एक सेकंड के लिए हैंग हो गया था। लो ऑपरेशन थिएटर चली गई। काम ये देख लीजिए जाके, आपका डॉक्टर फेल हो गए। अब पता नहीं डॉक्टर फर्जी है या उसकी डिग्री। लेकिन इस सीरियल में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और कैरेक्टर भी है, और वो है ये माताजी। इस बंदी का भी अलग ही स्वैग है, कभी सिमर को पीटने लगती है, कभी उसकी ढाल बन जाती है, और कभी कभी इस पे डायन आ जाती है। और इस सीरियल में हर सीरियल की तरह एक बड़ा परिवार है, जिसमें कुछ ना कुछ भसड़ मची रहती है, और सबसे ज्यादा टाइम पास कराता है ये। कुछ नहीं करना, बस जब तुम पे फोकस हो तो आंखें बड़ी बड़ी ऑटो की हेडलाइट जैसी कर लेना स्टार्ट। बस गया आधा घंटा जूम इन में। और भाई एक्टिंग भी देख ही लो।
ये तो माताजी के साथ चीटिंग हुई है भाई। बंदी को ठीक से थप्पड़ पड़ा भी नहीं था और ये शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमती हुई गई और टेंट के पर्दे को खुद ही गले में लपेट लिया। लेकिन सब ऐसे देख रहे हैं जैसे माताजी की वजह से ये मर जाती। भाई वाह। और इसी ओवर एक्टिंग के साथ इसका नया सीजन भी चालू हो गया। और सिमर ने फिर से अपने वर्ल्ड वाइड आंसू बहाना शुरू कर दिए। रोती रहे बेटा, तेरे आंसुओं से ही तो टीआरपी आ रही है। हमारे ड्रामों में ये कुछ नहीं होता। हमारे और एक के बाद दूसरा जन्म भी नहीं होता। वो एक ही जन्म होता है, वो मर गया तो मर गया बस। अब कहानी खत्म। इस तरीके से जो है ना हमारे ड्रामे हकीकत में मबनी होते हैं और जनाब जो कुछ हकीकत में हो रहा होता है वही उसी से रिलेटेड ड्रामे होते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे काफी सारे लोग जो हमारे ये तो खैर देखे ही जाते हैं इंडिया में, और इंडिया में बहुत ज्यादा हमारे ड्रामे पॉपुलर हैं और जो देखे जाते हैं जैसे कि हम कमेंट्स वगैरह में देखते हैं और जो हमें सोशल मीडिया से पता चलता है तो हमारे ड्रामे वहाँ भी पसंद किए जाते हैं। अभी तो एक ड्रामा चल रहा है तेरे बिन, मुर्तजा से वो मीरब का अभी वो जा रहा है रिकॉर्ड तोड़, वो पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड तोड़ जा रहा है। अच्छा ड्रामा चल रहा है वो, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो जनाब हमारी इस वीडियो का जो रिएक्शन आपने देखा और कैसा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।